सबसे पहले खबर आपको दें, कौमी असेंबली ने सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बिल की हिमायत की है, जबकि JUI जमात इस्लामी और दो आजाद अरकान ने मुखालफत में वॉकआउट किया। सेनेट की कामा कमेटी बराए दिफा ने भी बिल मंजूर कर लिया। कौमी असेंबली में सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बिल की गैर मशरूत हिमायत की। सर्विसेज चीफ से मुतल्लिक कानून साजी की अलग अलग मंजूरी दी गई। ऑल दोज इन फेवर ऑफ मोशन में से आए, ऑल दोज अगेंस्ट से नो, आई थिंक आई हैव इट एंड कंसीक्वेंटली द मोशन इज अडॉप्टेड। कौमी असेंबली के बाद सेनेट की कामा कमेटी बराए दिफा ने भी सर्विसेज एक्ट बिल मुत्तफिक के तौर पर मंजूर कर लिया। सेनेट की मंजूरी और सदर मुमलकत के दस्तखत के बाद तरमीम को कानून का हिस्सा बना दिया जाएगा। सेनेट कमेटी ने मुत्तफिक तौर पर पास कर लिया, डिस्कशन काफी हुई और सबको एतमाद था कि ये बिल मुल्क की बेहतरी। आर्मी एक्ट में तरमीम से मुतल्लिक कौमी असेंबली इजलास की बाज़ाब्ता कार्रवाई से कबल वज़ीर दिफा परवेज खटक ने पीपल्स पार्टी से तरमीम से मुतल्लिक तजावीज वापस लेने की दरख्वास्त की, जिस पर पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर ने कहा कि इत्तेहाद बरकरार रखने और खित्ते की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए तजावीज वापस लेते हैं। जो मुल्क की सूरत हाल है, जो कि खित्ते की नई सूरत हाल है, उसको मद्देनजर रखते हुए और बाकी अपोजिशन से भी मशावरत के बाद एक यूनिफाइड मैसेज भेजने के लिए ये फैसला किया है कि हम ये अमेंडमेंट्स को प्रेस नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान भी ऐवान में मौजूद थे। इजलास के एजेंडे में आर्मी एक्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट और नेवल तरमीमी बिल शामिल थे। जमात इस्लामी, JUI और फाटा के दो आजाद अरकान ने और ऐवान से वॉकआउट कर गए। और मुस्लिम लीग नून की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है। अराकीन की अक्सरियत ने सर्विसेज तरमीमी एक्ट बिल की हिमायत करने की मुखालफत की, लेकिन सीनियर रहनुमाओं का कहना था कि हम पार्टी क़यादत की हिदायत पर अमल दरामद के पाबंद हैं। तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से वली चौधरी की रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास राजा जफरुल हक और ख्वाजा आसिफ की ज़ेर सदारत, जिसमें साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, साद रफीक ने शिरकत नहीं की। ज़राए का कहना है कि पार्लिमानी पार्टी में मियां जावेद लतीफ और डॉक्टर इबादुर रहमान समेत मुतअद्दिद अराकीन का पार्टी मौकफ से इख्तलाफ सामने आया। इजलास में अराकीन के दरमियान तुंदो तेज बहस हुई। ज़राए का मजीद कहना है कि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पार्टी अराकीन की आदत के फैसले के पाबंद है, जिस पर अराकीन ने इस्तफसार किया कि वोट को इज्जत दो के नारे का क्या हुआ, तो ख्वाजा आसिफ बोले कि शहबाज शरीफ आपके सवालों का जवाब खुद आकर देंगे। पार्टी ज़राए का मजीद कहना था कि मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का मुजव्वजा तरामीम पर भी फैसला ना हो सका। मुस्लिम लीग नून की जानिब से तरमीमी मुसव्वदा तैयार करके क़यादत को लंदन भिजवा दिया गया, तहम लंदन से पार्टी क़यादत की जानिब से तरमीमी मुसव्वदे पर कोई जवाब अभी तक मौसूल नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर और MNA राना सनाउल्ला ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नून लीग के वोटर्स और सपोर्टर आज के फैसले से खुश नहीं, हमने वोट में खयानत तो नहीं की, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि हमने इन्हें में नहीं लिया। कि ये मुल्क ने अगर आगे बढ़ना है, इस मुल्क में तरक्की करनी है, तो फिर आपको अवाम के फैसलों की इज्जत, वोट की इज्जत करनी हो। ज़राए के मुताबिक इजलास में बताया गया कि पार्टी तरामीम में पीपल्स पार्टी और अपोजिशन की दीगर जमातों को भी एतमाद में लिया गया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से तरामीम पर ताहाल कोई रद्द अमल मौसूल नहीं हुआ। नून लीग के रहनुमा जावेद हाशमी का कहना है कि वह पार्टी के फैसले से मुत्तफिक नहीं हैं। वो बड़ों के फैसले पर बगावत का सोच रहे हैं। कहते हैं कि मुल्क आइन की बालादस्ती के बगैर चल ही नहीं सकता। आपको बता रहे हैं कि नून लीग के रहनुमा जावेद हाशमी का कहना है कि वह पार्टी के फैसले से मुत्तफिक नहीं हैं। वो बड़ों के फैसले पर बगावत का सोच रहे हैं। मजीद कहा कि ये मुल्क आइन की बालादस्ती के बगैर चल ही नहीं सकता। वो बड़ों के फैसले पर बगावत का सोच रहे हैं। नून लीग के रहनुमा हैं जावेद हाशमी, जिनका कहना है कि वो पार्टी के फैसले से बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हैं और वो सोच रहे हैं कि बड़ों के फैसले पर बगावत की जाए। उनका मजीद कहना है कि मुल्क आइन की बालादस्ती के बगैर चल ही नहीं सकता। मैं अपनी पार्टी के फैसले से मुत्तफिक नहीं हूँ। बड़ों ने फैसला कर दिया है, 50 साल बाद फिर मुझे सोचना पड़ रहा है कि मैं अपने बड़ों से बगावत कर सकता हूँ। तो मैं समझता हूँ मेरी जंग खत्म नहीं हुई, मैं ये जंग लड़ सकता हूँ। आखिरी सांस तक मैं ये लड़ता रहूँगा। ये जंग जारी है, ये जंग जारी रहेगी और इंशाल्लाह मैं वो वक्त दूर नहीं, क्योंकि इस वक्त कौम बिल्कुल जाग चुकी है। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में चौधरी परवेज इलाही की तर्ज हुक्मरानी के चर्चे रहे। सुबह पंजाब के अरकान वजीर आजम से वजीर आला पंजाब उस्मान बुजार की शिकायतें लगाते रहे।
وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت حکومتی پارلیمانی پارٹی اجلاس کی اندرونی کہانی 24 نیوز نے حاصل کر لی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں پنجاب سے حکومتی ارکان وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف وزیراعظم کو شکایتیں لگاتے رہے۔ حکومتی ارکان کا شکوہ تھا کہ پنجاب میں ترقیاتی فنڈز نہیں دیے جا رہے، 300 ارب روپے سے زائد کے فنڈز میں سے صرف 79 ارب جاری ہو سکے، جو پیسے ملے وہ بھی زیادہ تر ڈی جی خان میں لگے۔ ذرائع کے مطابق پارلیمانی پارٹی اجلاس میں پرویز الہی کے دورے وزارت اعلیٰ کا تذکرہ بھی ہوا۔ ارکان نے کہا کہ پرویز الہی کے دور میں فنڈ کے اجرا کا بہترین نظام تھا، جس پر وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ارکان روایتی کی جگہ غیر روایتی طرز سیاست اختیار کریں۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں ایم کیو ایم کے مطالبات پر بھی غور کیا گیا۔ متحدہ کی جانب سے اہم ترین مطالبات دفاتر کھلوانے کا تھا۔ وزیراعظم نے ایم کیو ایم کے دفاتر کھلوانے کے لیے کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی اور کہا کہ یہ کام بھی جلد ہو جائے گا۔ وزیراعظم عمران خان پارلیمنٹ کی بھول بھلائیوں میں رستہ بھول گئے۔ وزیراعظم قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے پارلیمنٹ آئے۔ وزیراعظم نے پارٹی کے پارلیمانی اجلاس کی صدارت بھی کی۔ رپورٹ دیکھیے۔ وزیراعظم عمران خان قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے۔ وزیراعظم نے تحریک پارلیمانی اجلاس کی صدارت کی۔ وزیراعظم عمران خان پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شرکت کے بعد چیمبر کے لیے روانہ ہوئے اور وزیر داخلہ اعجاز شاہ کی سرگوشیاں سنتے سنتے رستہ بھول گئے۔ وزیراعظم جب رکے تو سامنے دیوار اور دائیں بائیں دروازے پائے۔ وزیراعظم نے فوراً سیکورٹی آفیسر سے پوچھا، میں کہاں ہوں؟ مجھے کدھر لے جا رہے ہو؟ اس پر سیکیورٹی آفیسر نے انہیں جواب دیا کہ سر بائیں جانب چیمبر بھی ہے اور اسمبلی کا دروازہ بھی۔ وزیراعظم نے اسمبلی ہال کی طرف بڑھتے ہوئے تمام پارلیمنٹیرین کو ہدایت کی کہ اسمبلی اجلاس میں لازمی شرکت کرے۔ جنرل قاسم سلیمانی کے امریکی ڈرون حملے میں شہادت پر ایرانی پارلیمنٹ نے امریکی فوج کو دہشت گرد قرار دینے کا بل منظور کر لیا۔ ادھر کروشیا نے عراق سے اپنے فوجی اہلکاروں کو نکال لیا ہے۔ امریکی ڈرون حملے میں شہید ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کے واقعے کے بعد ایرانی پارلیمنٹ کی جانب سے امریکی فوج کو دہشت گرد قرار دینے کا بل منظور کر لیا گیا ہے۔ قومی سلامتی کونسل کو ہدایت دیتے ہوئے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی کی موت کا بدلہ سرعام لیا جائے۔ ادھر عراق کی پارلیمنٹ کی جانب سے غیر ملکی فوج کے خلاف بل کی منظوری کے بعد اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ کروشیا نے اپنے فوجی اہلکاروں کو عراق سے نکال لیا۔ کروشیا کے وزارت دفاع کے بیان کے مطابق فوجیوں سے متعلق مزید اقدامات نیٹو اتحاد سے مشاورت کے بعد اٹھائے جائیں گے۔ اور اہم خبر کہ میاں والی ایئر بیس کے قریب پاک فضائیہ کا تربیتی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق تربیتی طیارے FT-7 میں سوار اسکواڈن لیڈر حارث بن خالد اور فلائنگ افسر عباد الرحمان شہید ہو گئے۔ جہاز میں لینڈنگ کے دوران خرابی پیدا ہو گئی اور وہ تباہ ہو گیا۔ سیاسی اور عسکری قیادت کی جانب سے واقعے پر دکھ کا اظہار کیا گیا ہے۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف نے شہیدوں کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی ہے۔ میاں والی ایئر بیس کے قریب پاک فضائیہ کا تربیتی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق تربیتی طیارہ FT-7 میں سوار اسکواڈن لیڈر حارث بن خالد اور فلائنگ افسر عباد الرحمان شہید ہو گئے۔ جہاز میں لینڈنگ کے دوران خرابی پیدا ہو گئی تھی اور وہ تباہ ہو گیا۔ کوئٹہ سے آپ کو خبر دیں گے، جہاں میکان کی روڈ پر ایف سی کی گاڑی کے قریب دھماکہ ہوا جس میں 2 افراد شہید جبکہ 14 زخمی ہو گئے۔ دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا۔ زخمیوں میں سے 2 بچوں کی حالت تشویشناک ہے۔ تفصیلات کے لیے آپ کو رپورٹ دکھا دوں۔ امن دشمنوں کا ایک اور بار، کوئٹہ کے میکانگی روڈ پر ایف سی کی گاڑی کے قریب دھماکہ ہوا جس میں قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں اور 14 افراد شدید زخمی ہوئے۔ سول اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر کے تمام عملے کو طلب کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق دھماکہ ٹائم ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا۔ دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا۔ دھماکے کے بعد سیکورٹی فورسز نے علاقے کو سیل کر دیا۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ آس پاس کی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور قریب کھڑی گاڑیوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ بہت بری حالت تھی، شہر میں ایک دم خوف و ہراس پھیل گئے۔ ہم لوگ کانسی روڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، شدید آواز تھی تو یہاں پر دکانوں کے شیشے ٹوٹ گئے، شٹروں کے آواز آ رہے تھے۔ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء اللہ لانگف نے سول اسپتال کا دورہ کیا اور زخمیوں کی عیادت کی۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ کوئٹہ کا امن دشمن کو ایک آنکھ نہیں بھا رہا۔ آج انہوں نے ایک موقع پا کر ہمیں بہت جلدی ہم ان کی سہولت کاروں تک اور جمعہ تک پہنچ جائیں گے۔ اس موقع پر ڈی آئی جی کوئٹہ جی کوئٹہ عبدالرزاق چیما بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ شواہد اکٹھے کر کے کرائم سین کو سیل کر دیا گیا ہے۔ دھماکے کی نوعیت سے متعلق کچھ کہنا قبل اس وقت ہوگا۔
भारतीय नाजम उल अमूर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया गया है। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत की जानिब से बेबुनियाद इल्जाम आयद करने पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। डीजी साउथ एशिया जाहिद हफीज चौधरी ने गौरव अहलूवालिया को तलब करके सिख कम्युनिटी के हवाले से बेबुनियाद और मनगढ़ंत भारतीय इल्जाम सख्ती से मुस्तरद कर दिए हैं। भारतीय नाजम उल अमूर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत की जानिब से बेबुनियाद इल्जाम आयद करने पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। डीजी साउथ एशिया जाहिद हफीज चौधरी ने गौरव अहलूवालिया को तलब करके सिख कम्युनिटी के हवाले से बेबुनियाद और मनगढ़ंत भारतीय इल्जाम सख्ती से मुस्तरद कर दिए। महंगाई के बाद वजारत सेहत और ड्रैप एक बार फिर कौम से हाथ कर गई। पुराने नोटिफिकेशन पर तारीख बदलकर दोबारा कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 19 जून को जिन 89 अद्वियात की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी किया, सिर्फ वही सस्ती हुई हैं। वजारत सेहत और ड्रैप एक बार फिर से कौम से हाथ कर गई। वजीर आजम के मुआवने खसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा वफाकी काबीना समेत पूरी कौम के साथ हाथ कर गए। 19 जून 2019 को जारी करदा अद्वियात की कीमतों में 15% कमी का नोटिफिकेशन दोबारा जारी कर दिया गया। इसी SRO को बुनियाद बनाकर कौम को खुशखबरी भी सुना दी गई। वफाकी काबीना को गुज़िश्ता इजलास में वजीर सेहत ने बताया अद्वियात की कीमतों में 15% कमी कर दी है। साबिक वफाकी वजीर सेहत आमिर कियानी को इन अद्वियात की कीमतों में 15% से 300% तक इजाफे के 22 वजारत से अलग किया गया था। वजीर आजम ने हिदायत की कि कीमतों में इजाफे को वापस लिया जाए। डॉक्टर जफर मिर्जा को जिम्मेदारी सौंपी गई तो उन्होंने कौम को अद्वियात की कीमतों का तोहफा देते हुए अद्वियात की कीमतों में 15% से 300% तक इजाफे का नोटिफिकेशन वापस लेने के बजाय नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ड्रैप ने तस्दीक की कि ये वही SRO है जो कि 19 जून को जारी हुआ था। शहरियों ने अद्वियात की कीमतों पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है जो पिछली हुकूमत करंट अकाउंट डेफिशिएंसी करके गई है। अब हुकूमत जो है दूसरे जगहों पर इतनी सब्सिडी दे रही है, इतने कर रही है, तो उसको ये करना चाहिए कि वो सब्सिडी जो उन जगहों पे दे रही है बेहतर है कि वो इन दवाइयों पे दे दे। गवर्नमेंट को ख्याल करना चाहिए, जो वादे किए थे उन्होंने सब्सिडाइज करना चाहिए, स्पेशली ये अद्वियात वाले सेक्टर को, मेडिसिन सेक्टर को जो है सब्सिडाइज करें। डॉक्टर जफर मिर्जा ने 3 माह कबल अवाम से अद्वियात की कीमतों की मद में हासिल किए गए करोड़ों रुपए वापस दिलवाने का ऐलान किया, तहम इस ऐलान पर अमल दरामद न हो सका। रबा माली साल GDP का 4% का हदफ हासिल होने का इम्कान नहीं है। बड़ी सनतों की पैदावार में कमी, महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा हुआ, टैक्स वसूली और बरामदात में पहले के मुकाबले में इजाफा हुआ। स्टेट बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल की पहली सैमाही की मौशी सूरत हाल के बारे में जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मौशियत बतदरीज मुताबकत की राह पर गामजन रही। IMF के प्रोग्राम से मौशी इस्तेहकाम की रफ्तार बढ़ गई। ताहम खरीफ के मौसम के नजर सानी शुदा तखमीनों से मालूम होता है कि अहम फसलों की पैदावार माली साल हदफ से कम रहने का इम्कान है। बड़ी सनतों की पैदावार में 5.9% की कमी देखी गई, जिसके बायस मजमूई तौर पर हकीकी GDP की 4% नमो का हदफ हासिल होने का इम्कान नजर नहीं आता। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल की पहली सैमाही के दौरान महंगाई की शरह 11.5% रही, जो गुज़िश्ता बरस की पहली सैमाही के मुकाबले में दुगनी थी। रिपोर्ट के मुताबिक पहली सैमाही के दौरान टैक्स की वसूली और बरामदात में पहले के मुकाबले में इजाफा हुआ। ताहम बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी और तरसीलात ज़र पिछले माली साल की पहली सैमाही के मुकाबले में थोड़ी कम रही। सर्द मौसम की बात करेंगे। आसमान से बरसते सफेद मोतियों ने मलका कोहसार का हुस्न दोबाला कर दिया। बर्फबारी से सयाह खूब लुत्फंदोज हुए, जबकि सर्दियों में बर्फबारी ने हर शय को सफेद कर दिया। अपना सहर तारी करती वादियां बर्फबारी में मजीद दिलकश नजर आने लगी। बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हुआ तो खूबसूरत वादियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। मलका कोहसार में आए सयाहों के तो पैसे ही पूरे हो गए। फैमिलीज और मंचले मरी मॉल रोड पर निकल आए, कोई सेल्फी बनाता नजर आया तो कहीं बच्चों ने एक दूसरे पर बर्फ के गोले बरसाए। सड़कों पर फिसलन के बाद ट्रैफिक के रवाने मुतासर हुई, जबकि गाड़ियां खराब होने पर सयाहों का मजा भी किरकिरा हुआ। स्कर्दू में बर्फबारी के बायस हर शहर सफेद हो गई। सड़कों पर बर्फ हटाने का काम भी जारी रहा। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, किसी भी काम में तफरी का सामान जरूर ढूंढ लेते हैं। बच्चों ने ऐसे में बर्फ पर स्केटिंग करते हुए मौसम को एंजॉय किया। सबसे ज्यादा बर्फ कलाम में 20 इंच रिकॉर्ड की गयी। मरी 13, स्कर्दू 6 और यौप में 2 इंच बर्फ पड़ी। कम से कम दर्जा हरारत गोपल कर्दू और बगरोट में -8°C रहा। मालम जब्बा पारा चिनार में दर्जा हरारत -7 तक रिकॉर्ड किया गया। न्यूज स्टूडियो से फिल्म वक्त इतना ही, हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिए।